क्या आपने आम आदमी के घर में ऐसा टॉयलेट सीट देखा है जो रिमोट से चलता है? आप रिमोट से पानी का टेम्परेचर भी बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, सीट उठा सकते हैं, सीट का टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं, सीट का टेम्परेचर घटा सकते हैं। यहाँ इंडिया के करोड़ों लोगों ने एसी तक नहीं देखा है, लेकिन इन आम आदमी के टॉयलेट सीट तक में ये प्रबंध किया हुआ है। भाई साहब, ईमानदारी की तो बात ही मत करो, ईमानदारी एकदम कूट कूट कर भरी हुई है। और यही नहीं, अभी और भी सुनिए। दिल्ली में हर साल पॉल्यूशन पे पटाखे बैन करवा देते हैं ये कह के कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन खुद की बेल पे पार्टी के लोग जमकर पटाखे फोड़ते हैं मानो कोई जंग जीत कर आए। ये कहते हैं कि अजी दिल्ली में तो पॉल्यूशन है ही नहीं, पॉल्यूशन तो पंजाब और हरियाणा के किसान पराली जलाकर दिल्ली में भेज रहे हैं। फिर पंजाब में इनकी सरकार बन गई और अब पॉल्यूशन सिर्फ हरियाणा से आता है। कहते हैं कि हमने स्पेशल केमिकल बनवाया है जो पराली को गला देगा और उसे जलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, पर ये भी रातों रात गायब हो गया। फिर कहते हैं कि हमने दिल्ली में स्मॉग टावर लगाए हैं जो कि वर्ल्ड क्लास है, पर करोड़ों रुपए से बनाया गया ये स्मॉग टावर काम करना ऐसे गायब हो गया जैसे गधे के सर से सींग। यमुना नदी को साफ करने का वादा ये हर साल करते हैं, पर कमाल है कि इनकी गिनती खत्म ही नहीं होती है, ना ही यमुना साफ होता है। गर्मी के मौसम में दिल्ली वाले पानी ना मिलने से मरते हैं, बरसात के मौसम में दिल्ली वाले ज्यादा पानी मिलने से मरते हैं, और ठंड के मौसम में ये लोग हवा साफ ना मिलने के कारण मरते हैं। तो चलिए दिल्ली के इस पूरे मामले को समझते हैं कि दिल्ली वालों के लिए जीने का समय आखिर कब आएगा। हमारे भारत देश में एक से एक पॉलिटिकल पार्टीज है, और इन पॉलिटिकल पार्टीज का अपना कुछ ज़मीर होता है, कुछ नैरेटिव होता है, कुछ आइडियोलॉजीज होते हैं जिसपे ये पॉलिटिकल पार्टीज बेस्ड होते हैं और फंक्शन करते हैं। कोई हिंदू को सपोर्ट करता है तो कोई एंटी हिंदू होता है, लेकिन एक पार्टी ऐसी है और ऐसा लगता है कि उनका आइडियोलॉजी है ब्लेम गेम खेलना और जनता को बेवकूफ बनाना। मैं बात कर रहा हूँ आम आदमी पार्टी, सॉरी, मैं बात कर रहा हूँ आम आदमी पार्टी की। ये आम आदमी पार्टी इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट से निकलकर बनी थी, पर आयरनी उसी समय से शुरू हो गई थी। बच्चों की कसम खा के कहता हूँ कि चुनाव नहीं लड़ूंगा, पर महाशय चुनाव लड़ते हैं। मैं बड़ा घर नहीं लूंगा, पर सीएम साहब बंगलों में भी रहते हैं। बड़ी गाड़ी नहीं लूंगा, पर सीएम साहब बड़ी गाड़ी में घूमते हैं। ने मकान ले लिया, आपने कहा मैं गाड़ी नहीं लूंगा, गाड़ी ले ली। कौन सी गाड़ी? एक मिनट, सरकारी आपके कैबिनेट के सारे मंत्रियों ने गाड़ी ली कि नहीं ली? एक मिनट, सुनो, पहली चीज मैंने ये कब कहा था मकान नहीं लूंगा? आप अपने पुराने देख लीजिए, मेरे को सरकारी मकान नहीं चाहिए। एफिडेविट है मेरे पास, उसमें लिखा था बड़ा बंगला नहीं लूंगा, अगर जरूरत पड़ेगी तो सरकारी मकान लूंगा, उसमें लिखा हुआ है, मैं दिखा दूंगा। वो जो आपने दो मकान लिए थे उनका एरिया बता दीजिए लोगों को। एक ही मकान लिया? नहीं नहीं, जो आपने दो मिला के लिए थे। ऊपर दो मकान लिए थे, मानता हूँ। माने थे? आपने लिया? हमने लिया सर। पीछे आपकी गाड़ी है खड़ी हुई है, सिक्योरिटी की, सिक्योरिटी आपने ले ली, आज भी सिक्योरिटी लेके चल रहे हो। आप कहते थे मुझे सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। मैं सरकार में आने के बाद ही दिल्ली को साफ कर दूंगा, लेकिन दिल्ली अब पहले से भी ज्यादा गंदी हो चुकी है। यमुना को साफ कर दूंगा, पर यमुना का हालत अब और खराब हो चुका है। कचरे के पहाड़ को साफ कर दूंगा, पर कचरे का पहाड़ तो और बढ़ता ही जा रहा है। ये आम आदमी है, पर सीएम साहब का टॉयलेट रिमोट कंट्रोल्ड है। तो आम आदमी पार्टी का सफर कुछ इस प्रकार से रहा है, और अब जबकि ठंड का मौसम आने लगा है तो हर साल की तरह इस साल भी वही सेम नौटंकी शुरू हो चुका है। ठंड का मौसम आते ही दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ने लगता है, पर अगर इसको ऐसे कहें कि दिखने लगता है तो ये ज्यादा बेटर होगा। हर साल जब दिल्ली में पॉल्यूशन दिखने लगता है और AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स और खराब होता जाता है, तब दिल्ली को 10 सालों से भी ज्यादा रूल कर रहा है आम आदमी पार्टी के नेता और सीएम कहते हैं कि भाई साहब दिल्ली तो सही है, पॉल्यूशन तो हरियाणा के फार्मर्स और पंजाब के फार्मर्स कर रहे हैं पराली जलाकर। क्योंकि ये बीजेपी और कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स है, इसलिए वहां की गवर्नमेंट हमारी बात नहीं सुनती है। दिल्ली की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि दुनिया की सबसे पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी ये रह चुका है लगातार 2 साल। इस ग्राफिक्स की मदद से आप समझ सकते हैं कि दिल्ली में पॉल्यूशन के जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स है वो आखिर कौन है। सबसे ज्यादा पॉल्यूशन वेस्ट बर्निंग और ट्रांसपोर्ट से आता है। अब पहले पंजाब में आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट नहीं थी, तब ये कहते थे कि पंजाब और हरियाणा से पॉल्यूशन आ रहा है, लेकिन अब पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है, और नासा के सैटेलाइट इमेजरी को अगर आप देखोगे तो पंजाब में कितना स्टबल बर्निंग हो रहा है इससे आपको आइडिया लग जाएगा। लेकिन ये लोग इतने बेशरम है कि झूठ बोलने में इनको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती है। अभी 2 दिन पहले की ही रिपोर्ट है, अमृतसर में सबसे ज्यादा स्टबल बर्निंग केसेस निकले हैं, और उसके बाद कई और जगह पर निकले जैसे कि पटियाला है, तरनतारन है, और अब आप देखिए कि इनका जो ड्रामा है वो आखिर चलता कैसे है। आम आदमी पार्टी ने कहा था कि हम पंजाब में स्टबल बर्निंग रुकवाएंगे, जो कि एज यूजुअल झूठ था। स्टबल बर्निंग को रोकने के लिए उन्होंने एक केमिकल को इंट्रोड्यूस कराया था, जिसके बारे में इन्होंने बताया कि उस केमिकल को पराली पर डालने पर वो खुद ब खुद गल जाएगा और डिकम्पोज हो जाएगा, जिससे कि पराली जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये केमिकल कहाँ गायब हो गया किसी को कुछ भी पता नहीं चला। कंस्ट्रक्शन साइट से भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है जो कि दिल्ली के अंडर में ही है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है, यहाँ तक कि इसके लिए कोई उपाय भी नहीं ढूंढा जाता है। जो खराब सड़कें होते हैं उनके कारण बहुत ज़्यादा डस्ट उड़ता है और वो भी पॉल्यूशन बढ़ाते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी को क्या भाई,
टूटी फूटी सड़कें हैं, रहने दो, पोल्यूशन बढ़ रहा है, होने दो, दिल्ली के लोग मर रहे हैं, मरने दो, हमें क्या है, हम तो बंगलों में रहते हैं, हम तो साफ जगह पर रहते हैं, हम हेल्दी जी रहे हैं ना, बाकी जनता मर रही है तो उनको मरने दो। इन्होंने सड़कों की मैकेनिकल स्वीपिंग की बातें की थी। मैकेनिकल स्वीपिंग तो छोड़ो, सड़क के ऊपर से अगर ये लोग कचरा भी उठवा ले तो वही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो अब जबकि पॉल्यूशन दिल्ली में बढ़ चुका है और जो सोर्स है पॉल्यूशन का उस पर तो इन्होंने कुछ भी काम किया नहीं, क्योंकि इनको ड्रामेबाजी और ब्लेम गेम खेलने से तो फुर्सत मिलता नहीं है। इन्होंने इंडिया अलायंस के साथ मिलकर लोकसभा इलेक्शंस लड़े थे और इनकी अलायंस के कांग्रेस के लीडर्स ही कह रहे हैं कि दिल्ली की गवर्नमेंट, आम आदमी पार्टी को समझ में ही नहीं आ रहा है कि दिल्ली में पॉल्यूशन के लिए जिम्मेवार आखिर किसको ठहरा है, क्योंकि पंजाब में उनकी गवर्नमेंट आ चुकी है तो अब ये लोग हरियाणा को ब्लेम कर रहे हैं। और इससे अब एक स्टेप और आगे जाकर दिल्ली की सीएम आतिशी मार्लिना कह रही हैं कि दिल्ली में पॉल्यूशन तो यूपी की बसेस बढ़ा रहा है और यूपी में स्टबल बर्निंग हो रहा है जो कि पॉल्यूशन को बढ़ा रहा है। इनके साथ साथ ये कहती है कि पंजाब की गवर्नमेंट अगर स्टबल बर्निंग को रोक सकती है तो यूपी और हरियाणा वाले क्यों नहीं रोक सकते हैं। मतलब बताओ जरा, झूठ बोलने का भी एक लिमिट होता है। अभी मैंने आपको दिखाया कि पंजाब के अमृतसर में सबसे ज्यादा स्टबल बर्निंग के केसेस मिले हैं और ये लोग सामने से मुंह पे झूठ बोल रहे हैं। आज दिल्ली के लिए एक बहुत दुखद दिन है। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री एक ऐसी महिला आतिशी मार्लिना जी बनने जा रही हैं, जिनके अपने परिवार ने आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी की सजा से बचाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। उनके अपने माता पिता ने कई बार राष्ट्रपति जी को मर्सी पेटिशंस, दया याचिकाएं भेजी कि अफजल गुरु को फांसी ना हो, कि अफजल गुरु निर्दोष है, कि अफजल गुरु सिर्फ एक राजनीतिक साजिश का शिकार बन गए। ये कितनी गलत बात है। आज आतिशी मार्लिना जी मुख्यमंत्री बनेंगी, लेकिन हम सब जानते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ एक डमी सीएम, एक कठपुतली मुख्यमंत्री बनेंगी। लेकिन फिर भी ये मुद्दा बहुत बड़ा है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री बनेंगी और ये मुद्दा सीधे सीधे दिल्ली और देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। भगवान बचाए दिल्ली वासियों को ऐसे मुख्यमंत्रियों से। ये है दिल्ली की पढ़ी लिखी सीएम। देख लो दिल्ली वालों, तुम्हारे हर साल इस पॉल्यूशन के कारण कितनी उम्र कम होती जा रही है और इसके लिए जिम्मेवार कौन है, खुद देख लो। आम आदमी पार्टी ने जोरों शोरों से हो हल्ला करके दिल्ली के कनॉट प्लेस में 23 करोड़ का स्मोक टावर लगाया था और पूरे दुनिया भर में इसका डंका बजा दिया कि भाई हम पॉल्यूशन को खत्म कर देंगे। और इस स्मोक टावर की असलियत यह है कि ये बेकार हो चुका है, ये काम नहीं करता है। अब बताओ कि ये काम नहीं करता है या फिर अंदर ही अंदर कोई घोटाला चल रहा है, जैसे कि शराब घोटाला। 9 सितंबर को इन्होंने अनाउंस किया कि बढ़ते हुए पॉल्यूशन को देखकर हम लोग दिल्ली में पटाखों को जून 2025 तक बैन कर रहे हैं। और इस पे मैंने ट्वीट भी किया था कि देखना, केजरीवाल के बेल पे आते ही ये लोग तुरंत पटाखे जलाएंगे, और हुआ भी कुछ वैसा ही। इन लोगों ने अरविंद केजरीवाल के बेल पे बाहर आने की खुशी में खूब पटाखे जलाए। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि अरविंद केजरीवाल कोई जंग जीत कर आ रहे हैं। मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन सिर्फ आम जनता के लिए है, आम आदमी पार्टी के लिए नहीं। आम आदमी पार्टी के नेता पटाखे जलाएंगे, लेकिन दिल्ली की जनता दिवाली पे पटाखे नहीं जला सकती है, क्योंकि हिंदुओं का त्योहार है और बैन करना आसान है और कोई कुछ बोलेगा भी नहीं। केजरीवाल के शीश महल में लगे हैं 6 करोड़ के पर्दे, 12 लाख की टॉयलेट सीट, 4-4 लाख के 16 टीवी, 10 लाख की कीमत वाले 8 रिक्लाइनर सोफे, और ये लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। आप बस देखते जाइए, 4 लाख की मसाज वाली कुर्सी, 9 लाख की एलईडी लाइट्स, 9 लाख के 2 ओवन, 6 लाख की चिमनी, 22 लाख से ज्यादा कीमत वाले 3-3 हॉट वाटर जनरेटर, यही नहीं 15 करोड़ कीमत की 3 वाटर सप्लाई सैनिटरी इंस्टॉलेशन मशीन भी शीश महल में लगी है। ईमानदारी और सादगी की प्रतिमूर्ति केजरीवाल जी ने 70 लाख के वुडन डोर, 10 लाख रुपए की आउटडोर लाइट्स और आम जनता की गाड़ी कमाई के 36 लाख रुपए डेकोरेटिव पिलर से अपने घर की साज सज्जा में लुटा दिए। शहनशाही की इंतहा देखिए, केजरीवाल जी के घर में रिमोट से चलने वाली फुली ऑटोमेटिक टॉयलेट सीट है, जिसकी कीमत 12 लाख रुपए है। आरोप है कि केजरीवाल इसे अपने साथ उखाड़ कर ले गए हैं। केजरीवाल जी ने अपने लिए किसी सल्तनत के बादशाह की तरह याशी का सामान जुटाया था। अब देखो दिल्ली वालों, अभी वक्त आ चुका है, कुछ महीनों के बाद ही दिल्ली के अंदर इलेक्शन है। सही गवर्नमेंट को सिलेक्ट करो, वरना जिंदगी और मौत के बीच में सिलेक्शन तुम्हारा नहीं बल्कि उनका होगा। अपने त्योहार को मनाने का डिसीजन तुम्हारा नहीं बल्कि उनका होगा। स्टैट्स आपके सामने है, आप खुद भी डिसाइड कर सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। बाकी कमेंट सेक्शन में आप दिल्ली से है तो अपने एरिया का नाम जरूर कमेंट कीजिएगा और आपके एरिया का नेता कौन है वो भी बताइएगा। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर करके इस वीडियो की रीच को बढ़ाएं ताकि ये वीडियो और नए लोगों तक पहुंचे। नमस्कार।